हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वरम व्लॉग्स। सो फ्रेंड, ये मेरे सारे एनिवर्सरी के गिफ्ट हैं, जो कि इसमें से कुछ गिफ्ट आपको दिखाए थे, कुछ नहीं दिखाए थे। तो यहाँ पे जो सीनरी वगैरह थी, ऐसे फोटो फ्रेम वगैरह, उसमें से ये अपना जो ब्राउन से ये दिखाया था मैंने आपको, ये पिंक वाला ये नहीं दिखाया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ये मेरे सिस्टर ने दिया, जो बड़ी फ्रेम है, तो सिस्टर ने ये गिफ्ट किया था, बनवाया था मेरे लिए। ये हमारे रिसेप्शन की फोटो है, तो कैसी लग रही प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए इसे वॉल पर लगा देते हैं। ये बड़ी पिक कैसे मैंने लगा लिया अपने बेड के ऊपर, सिरहाने के ऊपर, कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। तो मुझे लग रहा था थोड़ा और बड़ी होनी चाहिए, तो सिस्टर ने कहा कि मैं तो गई नहीं थी, किसी और से उसने बनवाया था, तो उसने इतनी बड़ी ही बनवाई, लेकिन वो कह रही थी कि सबसे बड़ी बनाना, पर तो छोटी आ गई है। तो फ्रेंड, जो भी बाकी गिफ्ट थे मैंने ऐसे अलमीरा के ऊपर लगा दी हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने पूरा मेरा रूम का टूर देख रहा था, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसे कैसे मैं रखा हुआ है। तो उसके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर थोड़े से मेरे पार्सल आ गए थे, तो पार्सल में जल्दी वीडियो बनाऊँगी, एक बड़ी सी वीडियो जो कि जाएगी क्रिएटिव वर्मा चैनल पर। तो मेरे बहुत ज़्यादा सारे मैंने पार्सल मंगवाई हैं, वो किसने भेजी हैं और कहाँ से आई हैं सब मैं बताऊँगी। मैंने कुछ नहीं मंगवाया है, कहीं से किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो वो मैं जल्द बताऊँगी कि किसने गिफ्ट किया है, कैसे आई, कहाँ से आई हैं। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो सारी यूज़फुल हैं, तो आपको जल्दी ही वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो वो जाएगी क्रिएटिव वर्मा चैनल पर फुल वीडियो, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा, जल्दी ही जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, दो तीन चीज़ें जो है वो मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। यह है ब्लैक हेड रिमूवर एंड एक था स्टोकिंग, दो चीज़ें इसमें, दो कलर है, ब्लैक एंड स्किन कलर, जो कि मुझे चाहिए था, बहुत ज़्यादा नीड था। बट फ्रेंड, ये जो होता है ना, काफ़ी मतलब जो स्टोकिंग होती है, कई होती है जो कि फीट तक की होती है, मतलब नीचे से ऊपर तक होती है। ये थी पूरी पूरी, मतलब जैसे लगी होती है ना वैसी है, बिल्कुल कमर तक है। तो फ्रेंड, ये जो है, ये सॉक्स है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे मेरे सॉक्स। ये फ़र वाले हैं, अंदर से फ़र है, ऊपर से प्लेन है मैट में, एंड अंदर देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा फ़र है इसमें। बहुत ज़्यादा गर्म है, तो विंटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है इन लोगों को पहनने का। बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि घर में पहनना मुझे ऐसा लगता है ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसे मैं नेक्स्ट विंटर में पहनने वाली हूँ, इस बार नहीं पहनूंगी, इस बार मैं आपको वीडियो में ही दिखा दूँगी। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड, सेकंड है ये किट, ऊपर से पर्स लग रहा था ना, लेकिन ये है मैनीक्योर पेडिक्योर किट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से लेना चाहती थी, तो मैंने इस बार ले लिया। तो फ्रेंड, चलिए अब खाना बना लेते। तो यहाँ पे मैं गूंद रही थी, जो कि है मक्के का आटा, मतलब कॉर्न का आटा। एंड इसमें आप फ्रेंड, अब ये टूट रहा था, जैसे कि आप चाहो तो इसमें गेहूँ का आटा एंड चावल का आटा मिक्स करके अब गूंदोगे तो ये जल्दी से बाइंड अप हो जाएगा, लेकिन ये बाइंड अप नहीं हो रहा था, क्योंकि सिंगल ये मक्के का आटा है, वो भी मेरे घर का, मेरे मम्मी ने मुझे मेरे लिए ये भेजा था, मैं लेकर आई थी मायके से। तो ये मुझे इसे थोड़ा सा और पानी मिला के मैं इसे कर लेती हूँ, इसे गर्म पानी में गूंधा था। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज मैंने आया मैंने साग एंड मक्की की रोटी, जो कि पंजाब का फेमस है, तो हम पंजाब के हैं तो कभी तो खाना चाहिए, तो इसलिए मम्मी ने भेजी थी कि जाना तुम बना लेना। तो फिर यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी साग का। एंड चलिए, ओरिजिनल साउंड में आपसे बातें करते हुए मैं काम करती हूँ। एंड कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में प्लीज़। सब ने यहाँ पर मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि है साग, साग की तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे साग में मैंने काफ़ी कुछ डाल दिया है, जब वो बॉयल कर रही थी तभी, थोड़ा सा एक गिलास पानी के साथ में नमक और नमक, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब कुछ मैंने छील काट कर उसमें डाल दिया था साबुत। एंड उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एंड उसमें थोड़ा सा मैंने आधा कटोरी के करीब मैंने मक्की का आटा डाला हुआ। चलिए, फेस टू फेस बात करते हुए हम खाना बनाते हैं, यहाँ पर तड़का लगाते हैं, उसके बाद मक्की की रोटी बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने देसी घी में लगाऊंगी तड़का, तो देसी घी डालूँगी थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी, क्योंकि मैं देसी घी जो है वो ऊपर से भी डालने वाली हूँ, तो मैं मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाल दिया, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। एंड जब हम खाएँगे ना, तब हम डाल लेंगे और भी देसी घी ऊपर से, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहो तो इसे जो डालडा होता है ना, उसमें बना सकते हो, रिफाइंड से अच्छा डालडा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, देखा आपने, दो चम्मच के क्रीम में देसी घी डाला, दो तीन चम्मच की क्रीम में रिफाइंड डाल लूँगी, ताकि थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ताकि तड़का इसमें अच्छे से मिक्स होके एंड पक जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना ऑयल आप खाना चाहें, जितना आपको ऑयल सूटेबल लगे उतना ही डालें, ऐड करें। तो यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन कलियाँ भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, अदरक भी। तो इस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ डाला हुआ था, मैंने अभी नहीं ऐड किया, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे फिर से इसे तड़का लगाया था, आधा आधा मैंने अभी लगाया था, आधा मैंने नेक्स्ट डे शाम को लगाया था। शाम के वक्त मैंने काफ़ी कुछ इसमें ऐड किया था, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च, सब कुछ डाला था मैंने।
आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐड करना चाहें मसालों में कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। लाल मिर्च भी डाल सकते हो इसमें, थोड़े बहुत मसाले भी डाल सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, कई तरीके से बनते हैं। तो चलिए, मैं सब कुछ कट चुका है, आटा भी गूंद चुका है, तो चलिए तड़का लगा देते हैं। यहाँ पे मैं टमाटर और मिर्च को कट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे हमने डाल दिया है ऑयल में, लिया थोड़ा रिफाइंड एंड थोड़ा सा देसी घी। ओके, तो इसमें तड़का लगाऊंगी। मैंने मक्के का आटा गूंद लिया है, थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन गूंद लिया मैंने। गूंदना है गर्म पानी में गूंदना है। चलिए गर्म हो चुका है, अपनी चीजें डाल देते हैं इसमें। ढक देते हैं इसे, अपने टमाटर को सॉफ्ट हो जाए। ये मेरा फोन का स्टैंड यूज करती रहती हूँ। ये हमारा साग है, ये देखिए, इसे मैंने ग्राइंडर से ही थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था। नमक मैंने ऑलरेडी साग में डाला हुआ है, जस्ट गलाने के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ। थोड़ा ढक देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा आटा लग चुका है, जो कि मक्के का आटा है इस टाइप से। ये देखिए ये भी टूटेगा ऐसे लगा, ऐसे ये टूटेगा बनाते हुए, लेकिन हमें इसे पानी लगा के हाथों में फिर इसे रोटी बनानी है। एंड इसे गूंधा है मैंने गर्म पानी से। ओके, तो थोड़ा सेट हो रहा है, उसके बाद से बनाऊंगे। एंड ढक दिया इसे, टमाटर को जला दो, जिसे इसमें से मैश कर देंगे। एंड अब हम इसे मिला देंगे ना साग। देखिए इसे बहुत ही खुशबू आ रही है।
साग और डाल देते हैं। बाकी इतना बचा हुआ है देते हैं। देखिए साग में टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड इसमें जो है वो सरो नहीं है, इसमें सरो का जो साग होता है वो नहीं है। इसमें मैंने डाला है बाथू, मेथी एंड पालक। बाथू, मेथी एंड पालक का ये साग है जस्ट, तीनों चीज़ों का। पापा जी यही लेकर आए थे तो मैंने इसी का साग बना दिया। इसमें सरो का साग नहीं है। साग से बनाएंगे मक्की की रोटी। आज ये फ्रेंड आप लोग खा लीजिए साग, ये जिसका मन कर रहा हो। देखिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। बॉक्सेस मैंने रख लिए यहाँ पे, साड़ियाँ मेरे ऊपर। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा बॉक्सेस हैं जो कि मैंने लाइन से लगा रखी हैं। अमेजोन से हैं, फ्लिपकार्ट से हैं, एंड फ्लिपकार्ट से है, फ्लिपकार्ट से ज़्यादा है। एंड नीचे पड़ा हुआ है एक बॉक्स यहाँ पे, एंड कुछ ऐसे हैं। तो इन सबका मुझे रिव्यू करना है। अभी एक दो चीज़ें और भी हैं जो आने वाली हैं, तो वो आ जाएँ फिर मैं इन सबका रिव्यू करती हूँ। और इन सबका शॉपिंग हॉल कर दूँगी जल्दी ही। ओके सो मैं आप लोगों ने देखा कितने सारे है मेरे पास पार्सल, वो सबकी वीडियो जल्द आएगी। तो मैं चलिए यहाँ पे मक्की की रोटी बना लेती हैं, एंड सरों का साग साथ में तो है ही। तो मैं ऐसे थोड़े तवे पे सेक रही, उसके बाद मैं गैस के ऊपर सेक रही थी। एक पार्सल और आ गया, जैसे कि मैंने आपको दुकान अंदर कितने सारे पार्सल रखे हुए हैं ऑलरेडी, एंड एक पार्सल और आ गया। तो यहाँ पर है मेरा साग एंड मक्की की रोटी, इस पर देसी घी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था देसी घी के साथ में, एंड सरों के साग के साथ में मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। बहुत टाइम बाद मैंने खाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती वैसे ये सब, तो लेकिन मैंने बहुत टाइम बाद बनाया एंड खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सासू माँ ने सब ने खाया। चलिए फेस टू फेस बात करते हैं। सब ने यहाँ पे मेरे हेयर वॉश हो चुका है, एंड मैं ड्राई होने के लिए धूप में ही सुखा रही हूँ, तो नेचुरल तरीके से सूख जाएंगे। सो आज का व्लॉग कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा। तो थोड़ा सा अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।